हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जर्नल डायर, जी हां, अमृतसर के जलियांवाला बाग का जर्नल डायर, और यह नाम बिहार में विपक्ष ने चुनाव से ठीक पहले उछालकर दांव चला था, लेकिन डायर वाला वार बैकफायर हो गया। नमस्कार, एबीपी स्पेशल में आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान, और आज बात बिहार में मुंगेर गोलीकांड पर मचे सियासी बवाल की। तेजस्वी जैसे नेता मुंगेर की एसपी लिपि सिंह को जनरल डायर बताकर नीतीश पर तीर छोड़ रहे थे, लेकिन इस खबर पर जो नया अपडेट है उसके मुताबिक डायर अब विपक्ष पर बैकफायर हो रहा है। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बिहार की विपक्षी पार्टियां गोलीकांड के लिए मुंगेर की एसपी लिपि सिंह को ही जिम्मेदार मान रही है। लिपि सिंह को सस्पेंड करने के लिए विरोधी पार्टियां मोर्चा खोले हुए हैं। लिपि सिंह की तुलना विरोधी जलियांवाला बाग के जनरल डायर से कर रहे हैं। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। लिपि सिंह को कंप्लीट रूप से सस्पेंड करके उस पर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, ताकि ये जो जालियांवाला बाग से भी विभत्स घटना घटी है वह आगे लोग कांप जाए। लेकिन एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लिपि सिंह को मुंगेर गोलीकांड में क्लीन चिट दे दी गई। गोलीकांड को लेकर चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट चुनाव ऑब्जर्वर ने भेजी है उसके मुताबिक असामाजिक तत्व घटना के लिए जिम्मेदार हैं। मामला कानून व्यवस्था के बिगड़ने का था, लिहाजा प्रशासन ने इसके लिए मुश्तैदी से काम लिया। असल में लिपि सिंह को लेकर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे थे क्योंकि वो नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के बड़े नेताओं में से एक आरसीपी सिंह की बेटी है। लिपि सिंह इससे पहले चर्चा में तब आई जब उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह को AK-47 रखने के केस में पकड़ा था। खोलिए खोलिए पुलिस है, पुलिस खोलिए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना, पीछे पीछे से देखे, दो आदमी पीछे जाइए, पीछे महिला गई है, दरवाजा खोलो। लिपि सिंह बिहार की तेज तर्रार पुलिस अफसर मानी जाती हैं। मुंगेर जो कि बिहार के संवेदनशील इलाकों में से एक है, वहां लिपि लेडी सिंघम के नाम से मशहूर है। पिछले हफ्ते लिपि सिंह ने मुंगेर में कई अवैध बंदूक फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया था और बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी की थी। इलाके के बदमाशों में लिपि सिंह खौफ का दूसरा नाम है, लेकिन दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई गोलीकांड की घटना ने लिपि सिंह को विवादों में घसीट दिया। आज ही मुंगेर में वोटिंग हुई है और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से ही मुंगेर की सभी सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए।